दोस्तों आखिरकार 31 मार्च 2023 से शुरू होने जा रही है आईपीएल 2023 और बीसीसीआई ने आईपीएल की फुल एंड फाइनल शेड्यूल अनाउंस भी कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, टोटल 70 लीग्स मैचेस खेली जाएगी, 18 डबल हिटर्स मैचेस देखने को मिलेगा, सभी टीमें 14 मैचेस खेलेगी, 7 होम ग्राउंड्स में, 7 अवे ग्राउंड्स में। तो केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब कहाँ किस टीम के खिलाफ अपना 14 मैचेस खेलेगी, यानी कि केकेआर टीम की फुल शेड्यूल के बारे में अब लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें, पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग डेट्स के बारे में बात करें तो आईपीएल 2023 31 मार्च 2023 से शुरू होने जा रही है और लीग स्टेज की लास्ट मैच खेली जाएगी 21 मई को। 10 टीमों को 5-5 करके दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और केकेआर को रखा गया है ग्रुप ए में, जहां केकेआर टीम के साथ साथ मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और लखनऊ की टीम भी है। तो केकेआर इस साल ग्रुप स्टेज में पंजाब, बेंगलोर, गुजरात, हैदराबाद और चेन्नई टीम के खिलाफ 2 मैचेस खेलेगी, वहीं दिल्ली, राजस्थान, मुंबई और लखनऊ टीम के साथ सिर्फ 1 मैच खेलेगी। यानी कि दोस्तों ग्रुप बी टीमों के खिलाफ 2-2 मैचेस और अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ सिर्फ 1 मैचेस खेलेगी। तो अब केकेआर टीम की शेड्यूल के बारे में बात करें तो केकेआर अपना पहला मैच खेलेगी 1 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे से पंजाब टीम के खिलाफ मोहाली में। उसके बाद दूसरा मैच 6 अप्रैल को 7:30 बजे आरसीबी टीम के खिलाफ होम ग्राउंड कोलकाता में खेलेगी। उसके बाद तीसरा मैच 9 अप्रैल को 3:30 बजे से अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस टीम के खिलाफ खेलेगी। चौथा मैच 14 अप्रैल को 7:30 बजे से हैदराबाद टीम के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी। नेक्स्ट मैच 16 अप्रैल को 3:30 बजे से मुंबई टीम के खिलाफ खेलेगी वांकर स्टेडियम में। उसके बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में 7:30 बजे से खेलेगी दिल्ली टीम के खिलाफ। सातवें मैच खेलेगी 23 अप्रैल को 7:30 बजे से चेन्नई टीम के खिलाफ कोलकाता में। आठवें मैच खेलेगी 26 अप्रैल को बेंगलुरु में आरसीबी टीम के खिलाफ 7:30 बजे से। नवें मैच 29 अप्रैल को दोपहर 3:30 बजे से गुजरात टाइटंस टीम के खिलाफ कोलकाता में खेलेगी। दसवें मैच 4 मई को खेलेगी हैदराबाद टीम के खिलाफ हैदराबाद में। नेक्स्ट मैच 8 मई को खेलेगी 7:30 बजे से पंजाब टीम के खिलाफ कोलकाता में। उसके बाद 11 मई को खेलेगी कोलकाता में राजस्थान टीम के खिलाफ 7:30 बजे से। उसके बाद 14 मई को 7:30 बजे से चेन्नई टीम के खिलाफ खेलेगी चेन्नई की होम ग्राउंड में। और ग्रुप स्टेज की आखिरी मैच खेलेगी 20 मई 7:30 बजे लखनऊ टीम के खिलाफ कलकत्ता में। तो दोस्तों केकेआर टीम फैंस के लिए गुड न्यूज, केकेआर टीम के अंतिम 4 मैचों का शेड्यूल ईडन गार्डन्स में रखा गया है। ये काफी बड़ा एक प्लस पॉइंट होने वाला है केकेआर टीम के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या इस साल केकेआर प्लेऑफ्स में जाएगी कि नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।